हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, यूट्यूब अपडेट निकालता रहता है अच्छे बुरे क्रिएटर्स के लिए। यहाँ पर कुछ अपडेट आए हैं जो कि 4 से 5 है, और उन अपडेट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। कुछ अपडेट्स आपके चैनल को ग्रोथ करने में आपकी मदद करेंगे, और कुछ अपडेट्स ऐसे हैं कि अगर आपने वो गलती अपने चैनल पर की होगी तो आपका चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। तो सारे अपडेट्स के बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे अपडेट से रिलेटेड वीडियोस डेली मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उन अपडेट्स के बारे में सारे डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सारे अपडेट्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात कर लेता हूँ जो कि एनालिटिक्स से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन यूट्यूब पर जब भी कोई वीडियो डालते हैं और उसके एनालिटिक्स में जाते हैं और उसकी डिटेल्स वगैरह देखते हैं कि क्या वॉच टाइम रह रहा है, क्या CTR आ रहा है, क्या इंप्रेशन आ रहा है, तो वो आपको पहले 48 घंटे में देखने को मिला करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर यूट्यूब ने एक अपडेट जो ट्रायल पर चल रहा था वो अपडेट यहाँ पर अब आपको कर दिया है सभी चैनल पर, कि 3 घंटे में ही आप अपने यूट्यूब की वीडियो के एनालिटिक्स में जाओगे और वहां पर आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगे कि क्या वॉच टाइम रह रहा है, क्या इंप्रेशन आ रहा है, क्या CTR रह रहा है, जिससे आपको उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो कि आपकी यदि उस वीडियो को गलती है कि आपकी सारी चीजें कम आ रही हैं, तो आगे से आप उन गलतियों को ना दोहराओगे और अपनी अगली वीडियो में वो गलतियों को अच्छे से सुधार के डालने की कोशिश करोगे, जिससे आपकी वॉच टाइम भी बढ़ेगा और CTR वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपकी मैनेज रहेंगी और आपका जो इंप्रेशन होगा वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इससे रिलेटेड एक और अपडेट के बारे में जो कि है, फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हो और उसमें आपका थंबनेल तो कुछ और रहता है और उस वीडियो के अंदर कुछ और, तो यहाँ पर आपका टाइटल भी कुछ और रहता है, तो यूट्यूब क्या करता है, आपसे सर्वे कर रहा है एक तरह से और यूट्यूब की वीडियोज़ पर ध्यान दे रहा है। जो कि अगर आप ऐसा करते हो कि आपकी वीडियो क्लिक वेट है आपके चैनल पर, मतलब आप वीडियो के ऊपर थंबनेल ऐसा लगा कि वो क्लिक वेट है, उस पर लोग क्लिक करते हैं और वीडियो के अंदर कुछ और होता है और उनको पसंद नहीं आता और वो वीडियो को आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो यहाँ पर इंप्रेशन क्या करेगा, यूट्यूब भेजना बंद कर देगा। जो कि अपन यूट्यूब पे जब स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई वीडियो अपन को अच्छी लगती है उस पर क्लिक करते हैं और उसे देखने लग जाते हैं, यदि वो वीडियो अच्छी है तो अपन उसको देखेंगे, अगर वीडियो वो अच्छी नहीं है और थंबनेल के वजह से अपन उस पर गए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंप्रेशन आपका धीरे धीरे यूट्यूब कम कर देगा। तो फ्रेंड्स, वही गलती को ना दोहराएं, आप थंबनेल वही डालिए जो कोई आपकी वीडियो के अंदर वीडियो है, जिससे आपकी वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपका इंप्रेशन भी यूट्यूब भेजने की कोशिश करेगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगले अपडेट के बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूट्यूब पर अपन पहले बोला करते थे शुरू में और एंड में कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन को, यहाँ पर आपको नहीं बोलने की अब जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अब से आपको यूट्यूब क्या है, एक ऑप्शन देने वाला है मैसेज का, जो कि आप अपने यूट्यूब के चैनल पे जाओगे और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको कुछ भी मैसेज लिख देना है, जो कि यहाँ पर आपकी मर्जी है कि आपको क्या लिखना है, कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। यही लिख के आप उसमें छोड़ दोगे तो आपको क्या होगा कि आपकी वीडियो में वो आपको 3 टाइम मैसेज वो फ्लैश करेगा, एक शुरू में, एक बीच में और एक लास्ट में, जिससे आपके न्यू यूजर होंगे या व्यूअर्स होंगे जो कि बोलते हैं कि जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको वो देखने को नहीं मिलेगा, पर जो नए आएंगे मतलब आपके चैनल पे या आपकी वीडियो पे, वो आपको आपके मैसेज को देख पाएंगे और आपको यदि वो फ्लैश उनको ठीक लगा, आपकी वीडियो भी अच्छी लगी, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करके आपके चैनल पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा लगा, अब से आपको वो एनिमेटेड टाइप की चीज़ें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट है वो अभी मतलब ट्रायल पर चल रहा है, यहाँ पर कुछ अपडेट जो कि 2 महीने के बाद ये अपडेट आपके चैनल पर कर दिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इससे अगले अपडेट के बारे में जो कि है कमेंट्स रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको वीडियो के नीचे जाना होता है, जब आप वीडियो के नीचे जाते हो तो वहां पर कमेंट्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर आपको एक नया ऑप्शन अब देखने को मिल जाएगा, जो कि यहां पर शायद उन पे ही मिलेगा, जब आप किसी भी जिसने आपकी वीडियो के नीचे कमेंट किया और उस कमेंट पे आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे आपको उस यूजर्स या उस व्यूअर्स की मतलब जो आपका सब्सक्राइबर उसकी आपको 12 मंथ की सारी कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा उस बंदे का नेचर कि वो कैसा है, आपके चैनल पर कैसा रिएक्शन देता है, आपके लिए उसका मतलब उस बंदे का आपके लिए आपके चैनल के लिए क्या मतलब नेचर है, कैसा उसका व्यवहार है आपके यूट्यूब की वीडियोस पे आपके चैनल को लेके, तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा वो बंदा अच्छा है आपके लिए कि नहीं, और उससे लोगों को मतलब यूट्यूबर्स के लिए और यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उन लोगों के लिए आपस में और भी ज़्यादा लगाव हो जाएगा, जिससे आपको अच्छी चीज़ें मतलब समझ में आ जाएंगी और लोग आपस में अच्छे से ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ इससे अगले अपडेट के बारे में जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैग से लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैग अपने चैनल पर लगा करती थी तो वो 90 दिनों के लिए हुआ करते थे, लेकिन फ्रेंड्स अब जो स्टैग लगी पहले, अगर आपके चैनल पे पहली कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैग है तो वो आपको यूट्यूब की तरफ से माफ़ कर दी जाएगी, बस ये 90 दिन तक वो स्टैग रहेगी जो कि रहेगी, पर यहाँ पर मैं बात करता हूँ अब से वो आपके यहाँ पर आपकी जो 90 दिन के बाद में कभी कोई बाद में जब स्टैग लगेगी अब से, तो पहली स्टैग जब लगेगी तो 7 दिन तक आप कोई वीडियो नहीं डाल पाओगे अपने चैनल पर। और मैं बात करता हूँ जो कि 7 दिन तक नहीं डाल पाओगे, उसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्टैग के बारे में जो कि यहाँ पर आपके चैनल पर आ जाएगी, जो कि भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपको 14 दिन तक मतलब
मतलब सात का दोगुना हो जाएगा, 14 दिन तक आप अपने YouTube के चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाल पाओगे। अब मैं बात करता हूँ उसी अपडेट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर स्ट्राइक से, जो कि प्लेलिस्ट आप अपनी YouTube के चैनल की बिल्कुल छेड़ नहीं पाओगे, ना ही कोई नई प्लेलिस्ट बनाओगे, ना आपको पुरानी कोई प्लेलिस्ट है उसको छेड़ पाओगे। तो यहाँ पर आपके जो जब कोई स्ट्राइक लगती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वाली, तो वहाँ पर आपको व्यूज़ ओनली मोड आपका एक एक्टिव हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपको बस आप अपने चैनल पर कुछ कर नहीं पाते, बस व्यूज़ आते रहते हैं, मतलब लोग आपकी वीडियो को देखते रहेंगे पर आप अपने चैनल पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स के बारे में आपको डिटेल से समझा दें, सारे अपडेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई अपडेट समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, आपको उन अपडेट्स के बारे में हेल्प मतलब उन कमेंट्स के बारे में आपको मैं हेल्प प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। और जाते जाते फ्रेंड्स आपको लास्ट में तीन वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक। और अपडेट कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना।